नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। इलेक्शन ब्रेकिंग की चार बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि आज चार बड़ी खबरें कौन सी इलेक्शन से जुड़ी हुई है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। शुरुआत चौथी बड़ी खबर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पीएम कहते हैं कि जिस वक्त देश की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उस वक्त कांग्रेस घोटाला कर रही थी। तीसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच भगदड़ मची हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आती है, जहां बीजेपी और टीडीपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और आज संभवतः ऐलान हो जाएगा। पहली बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया और कहा कि हिटलर का टाइम भी 10 साल का था, जो 2014 में आया था 2024 में जाएगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सबसे पहले पहली बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी थी, तो अखिलेश यादव का विवादास्पद बयान सामने आया। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हिटलर का समय भी 10 साल का था। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि देखिए, जो हिटलर का समय था वो भी 10 साल का था, लेकिन इस बयान के बाद अब वो फंस गए हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश का यह बयान उनकी हताशा को दर्शाता है, समाजवादी पार्टी का टाइम खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। अखिलेश यादव का यह बयान आपने सुन लिया, लेकिन बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पर और कहते हैं कि यह उनकी हताशा को दर्शाता है। सुनिए जरा, तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। राकेश त्रिपाठी ये कहते हैं कि बयान में दिख रहा है कि अखिलेश की हताशा है। देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक हताशा में है, परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बिना बैसाखियों के, बिना सहारे के, बिना गठबंधन के वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। साइकिल के दो पहिए थे, एक पहिया पूर्वांचल से सुभाषपा संभाल रही थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर जी की पार्टी, और दूसरा पहिया पश्चिम से आरएलडी संभाल रही थी। अब दोनों अपने अपने पहिए निकाल कर लेकर चले गए हैं, तो कांग्रेस के हाथ में अब साइकिल का हैंडल केवल बचा है। अब ना हाथ को कुछ मिल रहा है, वो भी हाथ मल रहे हैं, और ना साइकिल को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि साइकिल बिना पहियों के चल नहीं सकती है। मानसिक हताशा में आकर के प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस घृणित शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है, इसका खामियाजा इनको और भुगतना पड़ेगा। इस बार खाता नहीं खुलने वाला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट भी नहीं बचा पाएगी। मैनपुरी की सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां कमल का फूल खिलाने वाली है, और इसी नाते परेशानी है, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी से अपील कराई थी, मुलायम सिंह यादव जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, तब जाकर के मुश्किल से ये मैनपुरी जीत पाए थे। बाई इलेक्शन बड़े सहानुभूति के आधार पर इन्होंने जीता, लेकिन इस बार आम चुनाव में मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलने वाला है। ये बात अखिलेश यादव जी जान रहे हैं, विरासत के आधार पर सियासत में आ गए, पिताजी ने सत्ता सौंप दी। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर, जहां सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है। बीजेपी और टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 और जनसेना 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके साथ ही टीडीपी और बीजेपी में विधानसभा को लेकर भी सीटों का बंटवारा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ये सवाल था कि कब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होगा। 2 दिन तक ये मीटिंग चली, जिसमें ये तय हो गया कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6, जनसेना 2 और जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, वो 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और विधानसभा की भी रूपरेखा तय।
रवि सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, दो दिन तक मीटिंग चली, आखिरकार लोकसभा का तो निकला ही निकला फॉर्मूला, ये तो विधानसभा के लिए भी तय हो गया। देखिए, क्योंकि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है और अपने पुराने जो सहयोगी रहे हैं, जो कई साल पहले साथ में ही चुनाव लड़ा करते थे और एनडीए का एक भरोसेमंद दल माना जाता था टीडीपी को, लेकिन कुछ मुद्दों की वजह से ही दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। अब बीजेपी की यही कोशिश है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुनबा भी बढ़े, उसका विस्तार भी हो, और दक्षिण की तरफ बीजेपी देख रही है, और सिर्फ ना ही दक्षिण की तरफ बल्कि ओडिशा में ये बीजेडी की भी तरफ देखा जा रहा है। बिहार में पहले से ही गठबंधन हो गया है, तो बीजेपी यही कोशिश है कि 370 का जो आंकड़ा है और 400 का जो एनडीए का आंकड़ा है उसको पार करने की कोशिश है। इसलिए दक्षिण को मजबूत किले के तौर पर बीजेपी बनाना चाहती है, और यही वजह है कि टीडीपी के साथ में और पवन कल्याण की जो पार्टी है उसके साथ में गठबंधन हो चुका है, और तमाम जो तालमेल है, चाहे लोकसभा के चुनाव को लेकर है, सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे विधानसभा को लेकर है, ये फार्मूला तय हो चुका है और जल्द ही एक संयुक्त बयान सामने आने वाला है जी।